आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर। सॉरी मैं बहुत गंदी सिंगर हूँ। हम सब जानते हैं हमारे फेवरेट शम्मी कपूर कि उन लोगों उनने कैसे धूम मचाई है अपने गानों और डांसिंग स्टाइल से। बट आप जानते हैं 16 साल के बाद उनको अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, वो भी ब्रह्मचारी के लिए। ब्रह्मचारी 1968 की बनी हुई मूवी थी एंड काफ़ी कमर्शियल हिट मूवी थी। स्टार्टिंग में ये मूवी शम्मी कपूर को ही दी थी, बट ड्यू टू सम पोस्टपोनमेंट ये मूवी बाद में राजेंद्र कुमार को दे दी थी। बट आफ्टर इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई कि शम्मी कपूर वॉज लाइक कि नहीं ये मेरी मूवी है, एंड ही स्टेड द होल नाइट इन फ्रंट ऑफ राजेंद्र कुमार गेट टू प्लीडिंग हिम दैट कि ये मूवी मुझे वापस दे दो क्योंकि मूवी मेरे लिए बहुत हिट करेगी। एंड ही वॉज राइट, इसी मूवी से उनको फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। एंड इस मूवी को ओवरऑल कम से कम 6 फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे, इंक्लूडिंग बेस्ट फिल्म एंड बेस्ट विलन। और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं। आपने मूवी तो देखी है मिस्टर इंडिया, इतनी हिट है कैसी नहीं देखी होगी, हमारी इंडिया की फर्स्ट साईफाई फिल्म है। तो वैसे ही आपको पता है कि मिस्टर इंडिया ने ब्रह्मचारी का पूरा प्लॉट चुराया है, पूरा प्लॉट नहीं बट मेजर चीज़ें। जैसे ब्रह्मचारी में एक बंदा बहुत सारे ऑर्फन्स को एक जगह पालता है अपने पैसों पे और उनका घर गिरवी होने के उसमें होता है और उन्हें घर से निकाल देते, वो पूरा प्लॉट ब्रह्मचारी से लिया गया है। ब्रह्मचारी एक बहुत कमर्शली सक्सेसफुल मूवी थी क्योंकि इसी ये ऐसे भी बोल सकते हो कि शम्मी कपूर की लास्ट मेजर हिट थी बिकॉज इसके बाद उसने मूवीज कम कर दी थी उसकी गेनिंग वेट के कारण। आपने ड्रीम गर्ल तो देखी ही होगी, ऑब्वियसली हेमा मालिनी की बहुत सक्सेसफुल मूवी है, तो वो एक्चुअली ब्रह्मचारी का रीमेक है एक तरीके से क्योंकि ब्रह्मचारी में मेल मेन कैरेक्टर होता है एंड ड्रीम गर्ल में फीमेल सेम रोल निभाती है। बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने ब्रह्मचारी करने से मना कर दिया, जैसे साधना, क्योंकि ब्रह्मचारी का मुमताज़ का जो रोल था वो छोटा रोल था कंपैरेटिवली राजश्री से, तो लोगों ने बोला कि राजश्री इतनी छोटी एक्ट्रेस है। साधना ने बोला कि मैं इतना छोटा रोल कैसे कर सकती हूँ, बट लास्ट में मुमताज़ ने रोल अपनाया एंड आप जानते हो उसका एक गाना सुपर हिट गया इस मूवी में। मुमताज़ ने भी बहुत अच्छा रोल निभाया नो डाउट इसमें, जबकि उसका रोल बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का था, बट एक तरीके से बोल सकते हैं इस मूवी से उसे बहुत पुशअप मिला है अपनी करियर में। आप सब जानते हैं शम्मी कपूर किस चीज़ के लिए फेमस थे, अपने नए अंदाज के लिए, अपने डिफरेंट स्टाइल के लिए, अपने मोस्टली अपने गानों के लिए, बट और वो एक तरीके से डांसिंग स्टार थे हमारे कंट्री के। बट ब्रह्मचारी के बाद उनके रोल स्लाइटली डिफरेंट हो गए क्योंकि ब्रह्मचारी में उनने एक बहुत अच्छा कैरेक्टर रोल जैसा दिया था एंड उसके बाद उन्हें एक नई इमेज मिली फिल्म इंडस्ट्री में कि जो बंदा इतने डांस कर सकता है, पहाड़ पे चिल्ला चिल्ला के याहू बोल सकता है, वो ऐसे रोल भी कर सकता है। आपने शम्मी कपूर के फेमस टाइटल्स तो सुने होंगे, बदतमीज, जानवर, जंगली, ये सारे उनके मूवी के टाइटल्स थे एंड वही एक तरीके से मूवीज में इंटरप्रेट भी होते थे कि जब भी कोई भी उन्हें बोलता था ना तो यूजुअली उनके टाइटल्स ही बोलता था। जैसे प्राण ने भी मोस्टली इस मूवी में सिर्फ उन्हें बोला बदतमीज कहीं का, जानवर, बेहया, जितने भी उनके मूवी के टाइटल्स थे सब उनको बोले गए उसी मूवी में। और एक तरीके से भी बोल सकते हैं क्योंकि उनकी मेजर सक्सेसेस ऐसी ही मूवीज से हुई थी जिससे वो उठे थे। स्टार्टिंग में वो एकदम बहुत फ्लॉप गए थे एक तरीके से बोल सकते हो, 5 साल उन्हें लगातार फ्लॉप दी थी, कम से कम 50 फिल्म उनकी फ्लॉप गई थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि मिस्टर इंडियन ब्रह्मचारी का प्लॉट काफ़ी सिमिलर है, नौकर, घर, सारे बच्चे एकदम सिमिलर से प्लॉट बनाए हैं डोगरे, मतलब एक तरीके से रेमिनिसेंट है दोनों। तो पहले नौकर का रोल महमूद करने वाले थे बट महमूद को शम्मी कपूर ने निकलवाया था क्योंकि उनकी एक मूवी थी दिल तेरा दीवाना, उसमें महमूद सेकेंडरी रोल में थे बट उनने इतना अच्छी एक्टिंग करी थी कि वो आउटशेड कर रही थी शम्मी कपूर के रोल को। इस चीज़ से इनसिक्योर होकर महमूद को हटाया गया था इस मूवी से, बट एक तरीके से भी बोल सकते हैं कि महमूद के ना होने से एक अलग चीज़ आई क्योंकि बहुत जो छोटे रोल्स वाले थे वो उभर के नहीं आए, तो मतलब मोस्टली स्क्रिप्ट मेन प्लॉट पर रही। आप सबने वो पॉपुलर गाना तो सुना ही होगा, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर। सॉरी मैं बहुत गंदी सिंगर हूँ। तो वो गाना आपको पता है किसने गाया? मोस्टली लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये लता मंगेशकर ने गाया है, एक्चुअली ये गाना सुमन कल्याणपुर ने गाया है, बट उन दोनों के वोकल्स इतने सिमिलर हैं कि लोग आज तक कंफ्यूज होते हैं कि ये लता मंगेशकर ने गाया है क्योंकि उस टाइम पे उसने इतनी अच्छे वोकल्स दिए थे इस गाने को।
कि ये सुपर हिट हो गया था। ओरिजिनली ये गाना देवानंद ने रिजेक्ट कर दिया था। उसकी मूवी जब प्यार किसी से होता है 1961 में गाना इंक्लूडेड था, बट शंकर जयकिशन ने बोला कि ये बहुत अच्छा गाना है, बट डिस्पाइट ऑफ दिस देवानंद को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बिकॉज ही वॉज लाइक कि मेरा स्टाइल नहीं है, मैं ऐसे गाने नहीं गाता। एंड बहुत हीरो से रिजेक्ट होके ये गाना लास्ट में शम्मी कपूर ने पसंद करा, क्योंकि आप जानते ही हो फिर उसने क्या धूम मचा दी इस पूरे गाने में। थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हैं और आप मेरा और भी कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे तीनों इंस्टाग्राम के हैंडल डिस्क्रिप्शन में गिवन है, और लाइक करिए, शेयर करिए एंड मेरे चैनल द फिल्मोग्राफी को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई भी रिकमेंडेशन देना है कि मैं नेक्स्ट किस फिल्म के बारे में बोलूँ तो प्लीज़ कमेंट कर देना। थैंक यू।